ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नर्सिंग की फील्ड में जाने के लिए कोचिंग में नाम कमा चुका कनका नर्सिंग अकेडमी अब हिमाचल में भी नर्स कोचिंग प्रदान करेगा। हिमाचल में कनका नर्सिंग अकेडमी ने हमीरपुर में अपना पहला कोचिंग संस्थान खोला है, जिसमें अब नर्सिंग की बढ़िया कोचिंग मिल सकेगी। कोचिंग के लिए अब हिमाचल के बाहर नहीं जाना पड़ेगा और हमीरपुर के IDBI बैंक के पास कनका नर्सिंग कोचिंग अकेडमी का शुभारंभ हो गया है। शुभारंभ अवसर पर हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने शिरकत की। नर्सिंग के फील्ड में जाने के लिए कोचिंग में नाम कमा चुका कनिका नर्सिंग अकेडमी अब हिमाचल में भी नर्सिंग कोचिंग प्रदान करेगा। हिमाचल में कनिका नर्सिंग अकेडमी ने हमीरपुर में अपना पहला कोचिंग संस्थान खोला है, जिसमें अब नर्सिंग की बढ़िया कोचिंग मिल सकेगी। कोचिंग के लिए अब हिमाचल के बाहर नहीं जाना पड़ेगा और हमीरपुर के IDBI बैंक के पास कनिका नर्सिंग कोचिंग अकेडमी का शुभारंभ हो गया है। शुभारंभ अवसर पर हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने शिरकत की। इस अवसर पर कनिका नर्सिंग अकेडमी की ब्रांच हेड मोनिका शर्मा के अलावा कनिका अकेडमी के डायरेक्टर कनिका राय और हरीश सिंह भी मौजूद रहे। अकेडमी हेड डॉक्टर मोनिका शर्मा ने बताया कि नर्सिंग से संबंधित 3 तरह के कोर्स करवाए जाएंगे, जिससे अब हिमाचल के हमीरपुर में ही नर्सिंग के कोर्सेज छात्र कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि महंगी फीस से भी अब नर्सिंग करने वाले छात्रों को छुटकारा मिलेगा। उन्होंने बताया कि अकेडमी में अनुभवी अध्यापकों के द्वारा नर्सिंग के क्षेत्र में भविष्य बनाने वाले छात्रों को कोचिंग दी जाएगी। मैं इस अकेडमी की हेड हूँ, डॉक्टर मोनिका शर्मा, और अकेडमी का नाम है कनिका नर्सिंग अकेडमी। जैसे कि आपको नाम से ही आइडिया लग रहा है, इसमें नर्सिंग से रिलेटेड सारे जितने पास 3 तरह के कोर्सेज हम अवेलेबल करवाएंगे इस अकेडमी में। पहला होगा प्लस टू के बाद जो बच्चे नर्सिंग में आना चाहते हैं, एस्पिरेंट हैं नर्सिंग में आने के लिए, स्पेशली PGI जाना चाहते हैं, एम्स दिल्ली जाना चाहते हैं, या RAK है, राजकुमारी अमृत कौर मेडिकल कॉलेज है, ये बहुत रिनाउंड कुछ हॉस्पिटल्स हैं हमारे इंडिया के गवर्नमेंट, तो उनके जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं नेक्स्ट मंथ, जैसे जून जुलाई में आने वाले हैं, तो उन सब की कोचिंग दी जाएगी यहाँ पे, ताकि बच्चे इन कोर्सेज को, वैसे तो प्राइवेट में आपने देखा होगा 1.5-2 लाख फीस है एक साल की ही फीस है, लेकिन इन जो सरकारी कॉलेजेस हैं इनमें बिल्कुल नाम मात्र फीस है, 4-5 हज़ार, इससे ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं कहीं होगी। तो ये अकेडमी स्पेशली हमने उन बच्चों के लिए बनाई है। पहले, आज से पहले हिमाचल में कोई नर्सिंग अकेडमी ऐसी नहीं थी जो ऐसी कोचिंग दे रही थी, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी। और इस अकेडमी में उन बच्चों के लिए स्कोप है जो बच्चे सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं। दूसरा, पहला तो जो सरकारी कॉलेजेस में जाना चाहते हैं नर्सिंग करने के लिए, उनके लिए कोर्स है। दूसरा, जो ऑलरेडी कर चुके हैं कोर्स, चाहे उन्होंने GNM किया है चाहे BSc नर्सिंग किया है, वो आगे जाना चाहते हैं सरकारी नौकरी के लिए, तो सेकंड स्कोप उन बच्चों के लिए है जो सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं। और तीसरा है, जो बच्चे BSc की है उन्होंने और आगे हायर क्वालिफिकेशन नर्सिंग में ही लेना चाहते हैं, एक ऑप्शन वो भी है, उसके लिए भी है कोचिंग यहाँ पे। और फोर्थ जो है, जो बच्चे इवन फॉरेन जाना चाहते हैं, बाहर देश जाना चाहते हैं, वैसे तो हम कोशिश करेंगे हमारे नर्सेज इंडिया में ही रहें, बट कई जगह पे बच्चों को प्रॉपर हिमाचल के बच्चों को ये गाइडेंस नहीं मिल पाती है कि कैसे वो कर सकते हैं, तो चौथा इसमें वो ऑप्शन भी है। बट मेन स्ट्रेस जो अभी हम दे रहे हैं वो है सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, जैसे नेक्स्ट मंथ हिमाचल की निकलने वाली है और कई ऑलरेडी पहले निकली हुई हैं, आजकल भी निकली हुई हैं, और बच्चे कोचिंग के लिए चंडीगढ़ जा रहे हैं। इसी से रिलेटेड मैं दूसरी चीज़ और कहना चाहूँगी, कनिका नर्सिंग अकेडमी जो आज हमने हमीरपुर में खोली है, ये एक ब्रांच है कनिका नर्सिंग अकेडमी जो ऑलरेडी चंडीगढ़ में चल रही है, वो भी जो नॉर्थ जोन है हमारा, नॉर्थ है इंडिया का, उसकी फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट नर्सिंग अकेडमी है। वहाँ से उस अकेडमी का ये दूसरा ब्रांच हमने यहाँ पे ओपन किया है, और वो अकेडमी 2016 से चल रही है और 100% रिजल्ट्स हैं अकेडमी के, बच्चे सरकारी जॉब्स में जा रहे हैं। अभी एक दो दिन पहले MSc का रिजल्ट आया है, MSc एंट्रेंस टेस्ट एम्स का, उसमें भी बच्चों ने क्लियर किया है टेस्ट, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, तो वो कोचिंग उन्होंने चंडीगढ़ में ली। हमारे साथ मेनली जो हम कोचिंग स्ट्रेस डाल रहे हैं वो सरकारी जॉब के ऊपर है, कि जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, और तो हमारे नर्सिंग में लोगों को ये भी नहीं पता है कि बच्चों के नर्सिंग के पास स्कोप्स कहाँ कहाँ हैं, लाइक वो आर्मी नर्सिंग सर्विसेज में जा सकते हैं, ठीक है, रेलवे नर्सिंग सर्विसेज में जा सकते हैं। ऑल्दो अब तो हिमाचल में क्या ऑल ओवर इंडिया में हो गया, स्कूल हेल्थ नर्स हो गई है, तो स्कूल हेल्थ में भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। तो पहली बात, लोगों को अवेयर भी करना है हमें, और बेस्ट नर्सेज प्रोड्यूस करनी है ताकि वो बेस्ट रिजल्ट्स दे सके हमारी सोसाइटी के लिए, यही हमारा मेन मोटिव है इस अकेडमी को ओपन करने का।
वहीं कनिका नर्सिंग अकेडमी के डायरेक्टर कनिका राय ने बताया कि वर्ष 2016 में शुरू हुए नर्सिंग अकेडमी ने आज पूरे देश में अलग पहचान बनाई है और अकेडमी में हिमाचल में पहली अकेडमी हमीरपुर में खोली है, जिससे अब हिमाचल के युवाओं को भी काफी लाभ मिलेगा। कनिका नर्सिंग अकेडमी के बारे में आपको ब्रीफली बताना चाहूँगी। 2016 में हमने सोचा कि हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स जो हैं बहुत बाहर जाने की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो घर पे बैठे बैठे हमारे ख्याल आया कि क्या करना चाहिए। तो अचानक बैठ के हमने सोचा कि क्यों ना हम स्टूडेंट्स को अपने इंडिया में, भारत में रिटेन करने के लिए कुछ करें। तो उसके लिए हमने ये सोचा कि हम यहाँ पर तैयार करते हैं अपने बच्चों को, नर्सिंग स्टूडेंट्स को जो नर्सिंग कर चुके हैं, कि वो सरकारी नौकरी किस तरह से ले सकें। तो उसी एम के साथ हमने कनिका नर्सिंग अकेडमी 2016 में शुरू की थी। उस टाइम पर लोगों ने हमें कहा कि ऐसी अकेडमी नर्सिंग में कोचिंग ट्यूशन जैसा कुछ नहीं होता है, तो उस टाइम हमें भी लगा कि हम एक ऐसी चीज़ शुरू कर रहे हैं जो कि आज तक किसी ने नहीं की है। बट हमें नहीं पता था कि अगले 3 सालों में हम लोग इस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि हमारा नाम इतना हो जाएगा कि लोगों को पता चल जाएगा नाम से कि हाँ जी नर्सिंग में कोचिंग होती है। हमारा एम बिल्कुल ये नहीं था कि हम जो कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, टीचर्स पढ़ाते हैं, उनकी क्वालिटी को हम कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं पढ़ाते या अच्छा नहीं पढ़ाते। बट आज की डेट में कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलनी बहुत ज़रूरी है। तो उसी एम के साथ हम लोग ये कोचिंग अकेडमी रन कर रहे हैं। एंड मेरे हस्बैंड जो मिस्टर हरीश गांधी है, अकेडमी चंडीगढ़ में मैनेज कर रहे हैं। 2 ब्रांचेस ऑलरेडी चंडीगढ़ में हमारी रन हो रही है एंड 3री ब्रांच हमने मोनिका मैम के साथ हमीरपुर में आज के दिन लॉन्च करी है। एंड हम आशा करते हैं कि यहाँ की ब्रांच भी हमारी नंबर 1 बन के उभरे और जो हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में जाएँ और हमारे भारत में ही रिटेन करें। हमारे सर चंडीगढ़ में 2 ऑफिस हैं और ये हमारा 3रा ऑफिस है हमीरपुर में। यह हमारी 3री ब्रांच हमीरपुर में है, हिमाचल में 1ली ब्रांच है। इससे पहले ट्राई सिटी मतलब चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली और पंजाब में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में पहले कोई नहीं थी, तो हमने चंडीगढ़ में शुरू की थी। वहीं कनिका नर्सिंग अकेडमी के डायरेक्टर हरीश सिंह ने बताया कि कनिका नर्सिंग अकेडमी छात्रों को बढ़िया कोचिंग उपलब्ध करवा रही है, जिस कारण ही अब हिमाचल में भी अकेडमी ने अपना पहला संस्थान खोला है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि हमीरपुर में भी नर्सिंग अकेडमी को सफलता मिलेगी। मेरा नाम हरीश है, मैं कनिका नर्सिंग अकेडमी से बिलोंग करता हूँ। ये अकेडमी हमने 2016 में स्टार्ट करी थी। अकेडमी को शुरू करने का पर्पज ये था कि काफ़ी सारे बच्चे हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरेस्टेड है, बट समहाउ उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से जॉब की इंफॉर्मेशन मिलनी है और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे हम एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टाफ नर्सिस, जिन बच्चों ने गवर्नमेंट जॉब करनी है, जॉब को लेकर तैयारी, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स इंडिया में कहाँ कहाँ पे निकल रही है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करवाते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, सो डैट कि बच्चों को एक अवेयरनेस होती है कि यहाँ पे हमारी वैकेंसीज निकली हुई है। जो वैकेंसीज निकलती हैं वो नॉर्थ इंडिया की जो मेन फेमस है, पीजीआई चंडीगढ़ की होगी, GMCH 32 की होगी, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की होगी और HP SSSB जो कि हमीरपुर के अंदर है, उस बोर्ड की तरफ से भी निकलती है। उसके अलावा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है जिसमें एम्स की है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज जिसे हम MNS बोलते हैं, इसके अलावा RRB है, सफदरगंज है, DSS भी है, इन सारे के सारे एग्ज़ाम हैं, उनकी हम तैयारी करवाते हैं। उसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनका फर्दर स्टडी का आगे प्लान होता है, तो उनके लिए हम आगे पोस्ट BSc और MSc एंट्रेंस की तैयारी करवाते हैं और उनके लिए जो एम्स वगैरह में एग्ज़ाम होते हैं। इनमें से कुछ एक स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनका प्लस टू के बाद टारगेट होता है कि BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना है, तो उनके लिए हम HP यूनिवर्सिटी के लिए, PGI चंडीगढ़ के लिए, एम्स के लिए और MNS के लिए हम तैयारी करवाते हैं। तो यहाँ पे उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी की सारी फैसिलिटी मिलेगी और बच्चों को अभी तक हमने जितने भी प्रीवियस में रिजल्ट आए हैं, बेस्ट रिजल्ट हमने 100% रिजल्ट हमने दिए हैं अभी तक, और मैक्सिमम स्टूडेंट हिमाचल से हैं। और हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट हिमाचल में है जो कि चंडीगढ़ में नहीं आ सकते, तो उनको एक हमीरपुर के अंदर ही लोकल में सारी की सारी फैसिलिटी अवेल करने का मौका मिले, तो ये उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी हमीरपुर के अंदर कोचिंग।